नमस्कार, ग्राम पंचायत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने गांव का, अपने बगल के गांव का, अपने रिश्तेदार के गांव का या किसी भी गांव का पीएम आवास की सूची कैसे डाउनलोड करेंगे। आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में पीएम आवास की सूची डाउनलोड करने के लिए बहुत रिक्वेस्ट भेजा कि सर इस पर एक वीडियो बनाइए ताकि हम लोग अपने यहाँ पीएम आवास की सूची आसानी से निकाल सकें और जान सकें कि मेरे गांव में किन किन लोगों का नाम पीएम आवास की सूची में आया है और कितने लोग का नाम नहीं आया है। होता है कभी कभी कि गांव से 50 लोगों का नाम पीएम आवास के लिए भेजा जाता है, लेकिन जब आवास आता है तो सिर्फ 10 लोगों का आता है, 40 लोग छट जाते हैं। तो वे 40 लोग काफ़ी दुखी भी होते हैं। तो जो दुखी लोग होते हैं वह ज़्यादा प्रयास करते हैं कि वह लिस्ट देख लें एक बार, ताकि उनको तसल्ली हो जाए, ताकि उनको भरोसा हो जाए कि उनका नहीं आया है। तो ऐसे ही समस्याओं का समाधान करने के लिए मैं आपके लिए इस वीडियो को लाया हूं। आप इसको आसानी से आखिरी तक देखिए और जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे फॉलो कीजिएगा, आपको पीएम आवास की सूची देखने का पूरा नॉलेज हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, एक मोबाइल और आपके पास होना चाहिए। जिस मोबाइल में आप इस वीडियो को देख रहे हैं ये तो है ही आपके पास, एक मोबाइल और आपके घर में अगर है तो ठीक है, नहीं तो आप पड़ोस का किसी का ले लीजिए, बगल में वो मोबाइल रख लीजिए। सबसे पहले आप गूगल खोलिए, जिस तरीके से मैंने स्क्रीन पर गूगल खोला हुआ है। गूगल खोलते ही आपको टाइप करना SARKARI सरकारी स्पेस WARDI, सरकारी वर्दी आपने खोला और सरकारी वर्दी सर्च किया। चलिए मैं कर देता हूँ। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने इस तरीके का एक वेबसाइट आएगा जिसका नाम लिखा रहेगा सरकारी वर्दी। अब इसके ऊपर हमें टच करना है। जैसे ही हम टच करेंगे तो हमारे सामने इस तरीके का साइट ओपन हो जाएगा। तो अब हम इसमें नीचे चले जाएंगे क्योंकि हमें तो अपने ज़रूरत की चीज़ देखना है, तो हम थोड़ा थोड़ा नीचे जाएंगे तो हमें दिखाई देगा ग्राम पंचायत, जैसा कि आपको भी दिखाई दे रहा होगा ग्राम पंचायत। अब ग्राम पंचायत में आपको पीएम आवास चेक करना है ना, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे लिखा है पीएम आवास 2022-23 नई सूची। अब मैं इस पर टच करता हूँ, आप इस पर टच कर दीजिएगा। टच करने के बाद जो भी पेज आपके सामने आए उस पर क्लिक करके आपको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ जाने के बाद आपके सामने हिंदी में लिखा हुआ बहुत ही बढ़िया जानकारी आएगा, इसको आप पूरा का पूरा पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद नीचे जब जाएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि पीएम आवास 2022-23 सूची, जिसको मैंने घेर दिया, इस पर आप टच करेंगे। फिर से टच करने के बाद आपके सामने रेड कलर में इस तरीके से कुछ लिखा हुआ आएगा, इसको आप एक मिनट का समय देके पूरा पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद जब नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर फिर से दिखाई देगा पीएम आवास 2022-23 नई सूची, इस पर आप जब टच करेंगे तब आपके सामने इस तरीके का ऑफिशियल वेबसाइट आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ ऑल स्टेट, मतलब भारत के सभी राज्य, तो कौन सा राज्य आपका है इस पर टच कीजिए। टच करने के बाद आप अपना राज्य सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद मैं उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करता हूँ। देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश दिया हुआ है, आप अपना राज्य सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद वो कहेगा कि बाबू अब ज़िला सेलेक्ट कर लीजिए कि उत्तर प्रदेश में आप कौन से ज़िला से हैं। तो सेलेक्ट के ऊपर फिर से टच करेंगे तो अब हम इसमें बलिया सेलेक्ट करते हैं। बलिया पे हमने टच कर दिया। टच करने के बाद फिर कह रहा कि बलिया ज़िला में कौन से ब्लॉक के हैं। किसी किसी राज्य में ब्लॉक को प्रखंड कहा जाता है, तो आप अपना ब्लॉक सेलेक्ट करिए। ठीक है, तो बलिया ज़िला में हम बेलहारी ब्लॉक का देखना चाहते हैं, तो बेलहारी पे मैंने टच किया। अब बेलहारी ब्लॉक के अंदर कौन से ग्राम पंचायत के हैं आप, उसे सेलेक्ट करेंगे। तो इस पर मैंने टच किया। इसके बाद बजरहा ग्राम पंचायत मुझे दिखाई दे रहा है, इस पर फिर मैं टच करूंगा। टच करने के बाद अब आप आखिरी स्टेज में आ गए हैं। आपके स्क्रीन पर ऐसे दिखेगा, हरे कलर में लिखा रहेगा 16+30, मेरे स्क्रीन पर लिखा है। जब आप इसे डाउनलोड करेंगे तो आपके स्क्रीन पर हो सकता है कि कुछ और लिखा हो, जोड़ना होगा चाहे घटाना होगा, तो आप उसको वैसे ही करिएगा जैसा कि वो कहेगा। हमारे स्क्रीन पर 16 में 30 जोड़ने के लिए कह रहा, तो हम 16 30 जब जोड़ेंगे तो 46 होगा, यानी 46 होगा। तो अब उस 46 को लिखना यहाँ पर इसके बीच में, तो चलिए मैं लिख देता हूँ 46, लिख दिया मैंने।
लिखने के बाद आपको आखिर में सबमिट पर टच करना है। मैंने कर दिया। करने के बाद स्क्रीन थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो यहाँ पर देखिए, ध्यान से आराम से देखिए, बलिया जिले के बेलहारी ब्लॉक में बजरहा ग्राम पंचायत में रजिस्ट्रेशन नंबर इतना इतना, लाभार्थियों का ये नाम, पिता का ये नाम और उनके माता का भी नाम अगर संभव है तो यहाँ पे दिया है। कैटेगरी क्या है, कौन सी जात से बिलोंग करते हैं, प्रायोरिटी क्या है, प्रायोरिटी का मतलब उनको मिलने वाला है जिस पर एक लिखा है, तो यानी उसको आवास का पैसा, उसको आवास की पहली किस्त सबसे पहले आएगी। जिस पर दो लिखा है उस पर आवास की पहली किस्त उनके बाद आएगी। जिनका एक नंबर हो उनको पहले आएगा, दो नंबर वालों को उसके बाद, तीन नंबर वालों को सबसे आखिर में। तो इसको देखने का यही तरीका है। आप चाहें तो अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए देखिए लिखा हुआ है डाउनलोड PDF। इसमें जब टच करेंगे तो आपके मोबाइल के अंदर ये डाउनलोड हो जाएगा, जिसको आप व्हाट्सएप पर किसी दोस्त, रिश्तेदार, दुकानदार, किसी को शेयर कर सकते हैं। आज की वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कौन सी सूची, कौन सी लिस्ट देखने की आपकी और इच्छा है, आप मुझे बताएंगे तो उस हिसाब से मैं वीडियो बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।